हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा छूट गया था कि जो मैथमेटिक्स हैं उसके क्वेश्चंस, पिछले सालों के, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे उसका, और पता लगाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज आपके इसमें जो है, मैंने इस तरह से PDF तैयार की है कि आपके चैप्टर वाइज PLIQ भी आपको मिल जाएंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया है कौन से साल में, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको हमारी ऐप पर एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो रिलेशंस और फंक्शंस जो है, इसमें जो है 2023 के क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके अंदर एक चूज द करेक्ट ऑप्शन आया हुआ है जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पे है। आप देखना कि मतलब कौन से टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना है आपको। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जिसमें जो है हमें फंक्शन बताना है कि वन वन है या मेनी वन है या ऑन टू है, ये जो है हमें बताना है। अगेन ये एक मार्क्स का है क्योंकि ये जो है चूज द करेक्ट है। एक रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, ट्राइवियल रिलेशन। बेसिकली ये एक टेक्निकल वर्ड है, यूनिवर्सल रिलेशन को अपन जो है ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। ज़्यादातर जो है स्कूल में या कोचिंग वगैरह में पढ़ा भी दिया जाता है बच्चों को, लेकिन ये ट्राइवल रिलेशन, ट्राइवियल रिलेशनशिप रिलेशन क्या होता है ये बताया नहीं जाता है, तो इस नाम से पूछ लिया गया है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जाता था, मतलब ऐसा भी पूछा जाता है। आप कमेंट में बताइए क्या आपको ट्राइवियल रिलेशनशिप के बारे में, सॉरी ट्राइवियल रिलेशन के बारे में पहले पता था या नहीं पता था। 2023 में क्वेश्चन आया है और एक मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन आया है 2023 का ही है, यानी 3 ऑब्जेक्टिव 2023 यानी इस साल पूछे गए थे, जिस साल में आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस बार भी उम्मीद है कि 3 जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, वही मतलब जो है ब्लू प्रिंट रहेगी, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एक। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आया था 2023 के अंदर, ये भी टाइप ऑफ फंक्शन पे है। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आपको क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली अब यही बचा है मैथमेटिक्स की किताब में, और भी बहुत सी चीज़ें थी लेकिन उस टाइम पे जब थी, यानी डिलीट नहीं हुआ था सिलेबस, जब भी ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आया करते थे, ठीक है। वो कंटेंट जो डिलीट कर दिया गया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा कंटेंट जो डिलीट किया गया जिस पर पहले क्वेश्चन आया करते थे 2020-21 में, एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पे एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, जो कि हमसे पूछा गया है कि 1-1 फंक्शन है शो करना है, हमें प्रूफ करना है, और सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं। अगला 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसके और में आया है, जो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पे है। या तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है या टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप शुरुआत में वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आप पूरा अच्छे से करें, लेकिन एंड टाइम पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पता लग रहा है या तो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन करके चले जाऊं या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कोई भी एक एक्सरसाइज करके अगर मैं चले जाता हूं तो चांसेस इस बात के हैं कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा और उसके और में जो है दूसरी एक्सरसाइज में से आएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम रहेगा, अगर उस टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो समझ लीजिए इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2023 का ही क्वेश्चन है, 2022 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन पे आया था ये क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है NCERT के अंदर से। तो फंक्शंस ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन जो है आया था वो डिलीट कर दिया गया है टॉपिक, ठीक है। फिर अगला जो ऑब्जेक्टिव आया था वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आया है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी एक टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात है। अगला जो क्वेश्चन आया है वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन भी एक टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही आता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आया है। उसके बाद जो है 2 मार्क्स के दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि और में आए थे, उसमें से एक टाइप ऑफ रिलेशन और एक टाइप ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हैं आप, और ज़्यादातर मुझे अभी तक जो दिखे ये NCERT पर बेस्ड, यानी NCERT के ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर इन्होंने दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर 2021 के मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, और क्योंकि पेपर भी जो है हुआ नहीं था, बाद में ज़रूर हुआ था जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए देना था, जिनके रिजल्ट से जो बच्चे जो है सेटिस्फाई नहीं थे, हुआ ज़रूर था, लेकिन वो पेपर मेरे पास अवेलेबल, यानी मैंने नेट से भी निकालने की कोशिश करी, नहीं मिला मुझे।
तो 2020 में जो ऑब्जेक्टिव आया है यहाँ पर, देखिए आप, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आया है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें 2020 में ही एक एक ही ऑब्जेक्टिव आया था उस टाइम पे, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, यानी कि उस टाइम की ब्लूप्रिंट में ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन आया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला, और उसके और में आया है बाइनरी ऑपरेशन, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। नेक्स्ट 2019 में अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये इसी जैसा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहाँ पर 2020 के अंदर आया था। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग, ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। और 2019 में वही ब्लूप्रिंट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही क्वेश्चन आया है। इक्वल टू रिलेशन जो है इक्विवेलेंस होता है, ये प्रूफ करना है, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन का प्रूफ वाला क्वेश्चन आया है। और 2019 में उसके और में आया था फंक्शन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन, जो कि टॉपिक अगेन डिलीट कर दिया गया है। तो ये पिछले जो है 5 साल, जिसमें से 2021 के मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, दूसरे सब्जेक्ट में 2021 के भी हम करेंगे, वो चीज जो है यहाँ पर आपको मैंने एनालाइज करा दी। और हमें इससे ये पता लग रहा है हमें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस पर बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी उम्मीद है इस बात की कि उसी पर देखने के लिए मिलेंगे हमें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसी पर देखने के लिए मिल ही रहे हैं। और अगली वजह ये भी है कि अब जो है एनसीईआरटी में से दूसरी चीजें पूरी डिलीट कर दी गई है, फंक्शन ऑफ फंक्शन डिलीट कर दिया गया है, उसके अलावा अगर अपन देखें दूसरा कोई टॉपिक वो भी जो बाइनरी ऑपरेशन था वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब चारा यही बचता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, उसके और में टाइप्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आएगा। अगर आप शुरू शुरू में देख रहे हैं, टाइम है तो दोनों करें, अगर आपके पास वक्त नहीं बचता है, लास्ट लास्ट में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सिर्फ टाइप्स ऑफ जो है रिलेशन या टाइप्स ऑफ फंक्शन में से कोई एक चीज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, और इसी तरह के बहुत सारे पीडीएफ धीरे धीरे और बहुत सारा कंटेंट धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड भी है, तो यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।